guys, welcome back to my YouTube channel Essentials by Sara. I hope you guys are doing really very great. Welcome back to my channel. If you're new to my channel, please do subscribe to my channel. And if you already subscribed to my channel, please stay connected. Video start karne se pehle main aapko batati chalu ki today's look is very requested. Ye jo look hai ye glam makeup look hai aur you can easily pull this look with any outfit और आप इसको changes भी कर सकते हैं as you can wish but this is a glam look with a soft natural tone. तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले मेरे पास primer है आज क्योंकि day time है. मैंने already अपनी skin को moisturize करने के बाद sunblock लगा लिया था. then मैं अब जो है वो beautify by amna का perfect primer लगाऊंगी. आप लोग चाहें तो आप कोई सा भी perfect primer लगा सकते हैं, silicone primer लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगाएं. मैं अपने पोरस एरियाज में ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी और वैसे मैं ओवरऑल लगा लूँगी. ओके, प्राइमर लग चुका है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ DMGM की दिस फाउंडेशन. दिस लुक्स रियली वेरी सटल और इसका बहुत ही नेचुरल लुक लगता है. तो मैं इसको लगाऊँगी. लगाने का वही तरीका है कि पहले मैं विद द हेल्प ऑफ माई हैंड्स आई पुट दिस फाउंडेशन ऑन टू माई फेस और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अंदर जो है अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवा लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन रह रहे. इस फाउंडेशन का ये कि आपको जल्दी जल्दी हाथ से लगानी पड़ेगी क्योंकि वंस यू अप्लाई इट ये बहुत जल्दी जो है वो सेट हो जाती है. और इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसको लगाने के बाद ये बहुत नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है और इससे फिलर्स इफेक्ट हैं. इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन को फिल कर देती है. मैंने दो पम्प लगाए हैं और ये दो पम्प आर लाइक इनफ फॉर माय स्किन. उसके बाद मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी. ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी ब्लेंडर है और इसको मैं डैब डैब कर लूँगी ताकि फाउंडेशन अच्छी तरीके से स्किन के अंदर सिंक इन हो जाए. ओके, ये करने के बाद मैं अपने फेस को सेट करूँगी विद हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर और इसके लिए आई यूज दिस मेबलिन का सुपर वाइट सुपर फ्रेश पाउडर और विच इज़ अ न्यूड बेज. सो आई अप्लाइड विद दिस स्पंज ताकि मेरी जो बेस है वो लॉक हो जाए. हमेशा बेस लगाने के बाद आप किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से, लूज पाउडर से अपनी स्किन पे लगाएं. आजकल सर्दियाँ हैं वरना गर्मियों में तो मैं बेकिंग करती हूँ. बेकिंग में आप ज़्यादा सा लूज पाउडर लगाते हैं, उसे दो तीन मिनट के बाद वाइप ऑफ कर देते हैं तो उससे ये होता है कि आपके ऑयली एरियाज जो हैं वो बेक हो जाते हैं, उसमें से ऑयल नहीं आता. ओके, ये मैंने लगा लिया अच्छी तरीके से. इससे इस बेसिकली कॉम्पैक्ट पाउडर की अच्छी बात ये होती है कि आप इसको बाद में टचअप्स के लिए भी रख सकते हैं. मतलब ऑयल अगर आपके पास आ जाता है, ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है या कहीं से कोई आपकी फाउंडेशन पैची हो जाती है तो आप इससे टचअप भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर. आप देख सकते हैं मेरी स्किन जो है वो प्रेप हो चुकी है. मैंने फाउंडेशन भी लगा लिया, काफ़ी नेचुरल फाउंडेशन लग रही है. ओके, फाउंडेशन लगाने के बाद ये MN की आईब्रो पेंसिल है. ये बहुत अच्छी आईब्रो पेंसिल है. इससे मैं अपनी आईब्रोज को जो है वो डन कर लूंगी. ओके, सो आईब्रोज मैंने डन कर ली है ऑफ कैमरा. आप मेरे आईब्रोज ट्यूटोरियल देख सकते हैं. मैंने ये MN पेंसिल यूज किया है आईब्रोज के लिए, उसके बाद मैंने इसे इसकी स्पूली से जो है नीट कर लिया है. देन जो है आज मैं जो पैलेट यूज कर रही हूँ विच इज जैकलिन हिल पैलेट. इट्स बेसिकली अ ड्यूप, इट्स नॉट ओरिजिनल. काफ़ी ओरिजिनल ड्यूप मिला है और उसके बाद मैं थोड़ा सा ग्रीनिश लुक करने वाली हूँ. तो जो ये डार्क ग्रीन कलर है इससे मैं जो हूँ अपनी क्रीज में इस डार्क ग्रीन कलर को लगाऊंगी. आप चाहें तो आप कोई भी कलर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा कलर सूट करेगा. और यही जो है मैं कलर लेके नीचे भी लगाऊंगी. साथ साथ लगाने से ये होगा कि आपका मेकअप जल्दी जल्दी होगा और एक अच्छा इफेक्ट मिलेगा. आप देख रहे हैं कि एक काफ़ी ये डार्क कलर है तो पिगमेंटेशन आपको नज़र आ रही होगी कि इसकी कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है. इस तरीके से आप इस मोशन में अपने इसको लगाएंगे. देन उसके बाद में ये लाइट वाला शेड लूंगी और
इसको इस पे मर्ज कर लूंगी जो ब्राउन है, और ये ब्राउन को मैं नीचे भी लेकर आऊंगी। पाउडर लगा लिए, इसको मैं इस तरीके से एक टेपर्ड ब्रश से मैं अच्छी तरीके से, इस वाले ब्रश से ये होता है कि आपकी सब ब्लेंडिंग अच्छी इस तरीके से हो जाती है, इसको मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जो जो मैंने लगाया कि वो रखा हुआ ना लगे। अब आप देख रहे हैं कि ब्लेंडिंग ऐसे वाले ब्रश से कितनी अच्छी हो गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ की ब्लेंडिंग कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि मैंने लगा दिया, देन मैं अगेन इस वाले ब्रश से अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर लूंगी। के बाद इसका जो ये वाला शिमर शेड है, दिस वन, इसको मैं लेके अपनी लिड में लगाऊंगी। जब आप ऐसे आई शेडोज को, शिमरी आई शेडोज को हाथ से लगाते हैं तो उनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आती है। आप देख रहे हैं कि कितनी मेरी आईज पॉप आउट हो गई हैं। कि अब जो मेन काम है हमारे पास, मैं इस तरीके का टेपर ब्रश लेके जो उसका ये वाला डार्क ग्रीन है उसको मैं अपने आउटर वीज पे लगाऊंगी ताकि मेरी आउटर वीज में एक डेप्थ आ जाए, और मैं इसे अपनी क्रीज को भी थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी। आप देख रहे हैं कि एक डेप्थ आ रही है। हमेशा लाइटर से डार्कर पे जाइए, आपको इजी होगा, आपको ख़राब नहीं होगा आपका। अब आप देख रहे हैं कि एक डेप्थ आ गई है। यहाँ पे जो है आउटर वी को अपनी थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी। किसी भी डार्क कलर से आप अपनी आउटर वी को इन्हेंस कर सकते हैं। इसी में मैं थोड़ा सा ब्लैक शेड भी मिला लूँगी। आप देख रहे हैं कि जो है वो काफ़ी डेप्थ आ गई है। देन अगेन मैं एक ये वाला फ्लफी ब्रश लूँगी और इससे जो भी एक्स्ट्रा था उसको मैं साफ कर लूँगी। ओके, ये हो गया है। देन अगेन मैं ये वाला शिमर लगाऊंगी। अब आप उसके बाद कोई भी छोटा ब्रश लेके जो इसके मैं अपनी ब्राउ बोन पे हाईलाइट कर लूंगी अपनी ब्राउ बोन को। गाइस, दिस इज अ ड्यूप पैलेट बट द पिगमेंटेशन इज अमेजिंग, लाइक इट्स रियली वेरी अमेजिंग। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इसकी पिगमेंटेशन इतनी जबरदस्त है। बाद में थोड़ा सा अपना आउटर वी में भी लगाऊंगी। ओके, अब आप देख सकते हैं मेरा लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैं एक फ्लैट ब्रश लूंगी और आप अपनी फाउंडेशन ले सकते हैं, आप कंसीलर ले सकते हैं, और इससे जो है मैं अपने एरियाज को नीट कर लूंगी जहाँ जहाँ मुझे जिस तरीके से नीटनेस देनी होगी। इस तरीके से मैं अपने एरियाज को नीट कर लूंगी। ये एक ट्रिक है, यू कैन यूज फाउंडेशन, यू कैन यूज एनीथिंग, तो इससे अगर आपका मेकअप डस्ट ऑफ भी होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके,
कि मैंने कंसील कर लिया है। कंसील करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैप कर लूँगी, कोहल एडिक्ट का काजल लूँगी और इस काजल पेंसिल को लगाऊंगी अपनी आईज के अंदर। काजल मैंने लगा लिया है, ये कोहल एडिक्ट कलर स्टूडियो का है। और इसके बाद मैं एक फ्लफी ब्रश लेके इसको स्मच कर लूंगी। कि हमेशा अपने काजल को स्मच करें, अगर आप अपने काजल को स्मच नहीं करेंगी तो आपका जो काजल है वो बहुत ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, फैल जाएगा। ओके, दिस स्टेप इज एडिशनल। मैं यहाँ पे ये क्रिस्टीन का जो ग्लिटर लाइनर है ये मैं लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं ये अपनी क्रीज पर लगाऊंगी इस तरीके से, जस्ट टू गिव द इफेक्ट ऑफ कट क्रीज। इससे आपको एक कट क्रीज का इफेक्ट आ जाएगा। इसकी मैं ट्रिक आपको दे दूँ कि बस आप इसको इतना लगाएं और इसको लगाने के बाद आप थोड़ी देर तक अपनी आँख इसी पोजीशन में करें रहें, क्योंकि अगर ये गीला गीला आप अपनी आँखों को फोल्ड कर देंगे तो इससे ये होगा कि आपकी आँखें फिर ये ऊपर चला जाएगा, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड। ओके, सो मैंने ये लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इससे एक डेप्थ और एक शाइन आ जाती है। ये टोटली आपके ऊपर है, आप चाहें तो लगाएं, आप चाहें तो ना लगाएं, डिपेंड्स अपॉन यू। तो अब आ जाते हैं, मैं जो है एपीके का लाइनर यूज़ करूँगी। इस लाइनर पे भी मैं फुल ट्यूटोरियल दे चुकी हूँ। मैं एपीके का लाइनर यूज़ करूँगी और जो लाइनर है वो मैं ब्राउन में यूज़ करूँगी, नॉट इन ब्लैक। सो लाइनर लगाती हूँ मैं इसका, इसी के मैं ब्रश से इसका लाइनर लगाऊंगी। अगेन, आप लोगों ने अगर मेरी लाइनर ट्यूटोरियल की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लाइनर लगा लिया है, ब्राउन लाइनर, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था ब्राउन लगाना, मैंने ब्राउन लगाया है। अगर आप ब्लैक लगाएं तो कोशिश करें या तो आप लाइनर ही ना लगाएं, अदरवाइज लगाएं तो आप ब्राउन लगाएं या बहुत पतला लगाएं अगर आप ब्लैक लगा रहे हैं। ओके, अगेन मैं इस फाउंडेशन को एज अ कंसीलर यूज़ करूँगी। यू कैन सी ये बहुत थिक है और मैं इसे अपने अंडर आईज एरियाज में और यहाँ पे एज अ कंसील कर लूँगी। कंसीलर हमेशा या फाउंडेशन को आप एज अ कंसीलर ज़रूर लगाएं तो इससे आपका जो लुक आता है वो बहुत एक शार्प आता है। अब जिस तरीके से मैंने ये लगाया है, इसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से एक लेवल दे दूंगी जिस तरीके से मुझे चाहिए होगा। मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको पेंटिंग कर लूंगी। ये लगाने के बाद आपको कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी आईज के नीचे इस तरीके से लगाना है। इससे ये होगा कि आपकी आईज का जो एरिया है वो क्रीज नहीं होगा। ओके, तो ये मैंने अपने इनर कॉर्नर्स में भी लगा लिया है। ओके गाइज, माई आईज आर डन। यू कैन सी इट लुक सो ड्रामेटिक और बहुत ही ईजी तरीके से ये मैंने ड्रामेटिक लुक अचीव किया, सुपर ग्लैम लुक। उसके बाद मैं जल्दी से ये क्रिस्टीन की वाटर प्रूफ मस्कारा है उसको मैं लगा लूँगी अपनी आईज में। और
उसके बाद जो है मैं आज जो आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद जो मैं आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ वो मिनीसो की आईलैशेस हैं, बहुत ही अच्छी आईलैशेस हैं, उसको मैं जल्दी से आईलैश लगा लूँगी। आईलैश लगाना भी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट ट्यूटोरियल। ओके गाइज, आप देख सकते हैं लैशेज़ मैंने पुट कर ली हैं। लैशेज़ लगाने का भी पूरा मैं तरीका बता चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे लैशेज़ को जो लगाया है वो इस तरीके से लगाया है कि आप अगर आप देखें, इफ़ माई कैमरा विल, तो मैंने थोड़ा सा इसको ड्रॉपी लगाया है, विंक करके लगाया है, आधा इंच छोड़ के आगे से लगाया है, तो इससे ये होगा कि आपकी लैशेज़ जो है वो बहुत अच्छा सा ग्लैम लुक देंगी। और लैशेस लगाने के बाद थोड़ी देर बाद जब आपकी लैशेस सूख जाएं तो आप उसे अपनी आईलैशेस के साथ इस तरीके से मर्ज कर दें, तो इससे ये होगा कि आपकी आईलैशेस और वो आईलैशेस जो है वो इक्वल लगेंगी। सो या आईलैशेस आर ऑन। ओके, मैं यहाँ पे अपना ब्रॉन्ज कर रही हूँ अपने फेस को। उसके बाद मैं हल्का हल्का ब्लश भी लगा रही हूँ। ओके, सो देन मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। ओके गाइज, मैं हाइलाइटर जो है ये मेकअप रिवोल्यूशन का प्रो ग्लो 2 लगा रही हूँ। उस पर मैं कंप्लीट रिव्यू दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। आप इसकी ब्लाइंडिंग एबिलिटी देखें, मैं ये तमाम लेके और इस तरीके से लगा रही हूँ। ग्लैमरस फेस का मैं 03 लिपस्टिक पेंसिल लगा रही हूँ, विच इज़ रियली रियली वेरी ग्रेट, हर ओकेजन के साथ आपके चलेगी। इस पर भी मैं कंप्लीट रिव्यू दे चुकी हूँ, गो एंड चेक आउट। आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर है। ओके, सो टुडे इज माय लुक इज कंप्लीट। ओके गाइज, यू कैन सी इट्स अ कम्प्लीट ग्लैम लुक। आप इसको किसी भी शादी में, ओकेजन में, कहीं भी कर सकते हैं। बहुत ही ड्रामेटिक लुक है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लुक इस वजह से लगा है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल कट क्रीज की तरह लग रहा है, क्योंकि इससे लग रहा है कि आपने कट क्रीज वाला लुक किया है, और ग्लिटर से ये और ज़्यादा पॉप आउट हो गया। आपकी मर्जी, आप ग्लिटर लगाएं या आप ग्लिटर ना लगाएं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती जा रही हूँ मैं उसके तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर मैं जल्दी जल्दी आपको रिव्यू बताऊँ तो मैं मिनीसो की जो लैशेस मैंने यूज़ की हुई है इस पर भी मैं पूरा अपना मिनीसो का हॉल कर चुकी हूँ। सेकेंडली मैं इन लिप पेंसिल्स पर भी अपना हॉल कर चुकी हूँ। DMGM की फाउंडेशन पर भी मैं बता चुकी हूँ ये कैसी फाउंडेशन है। APK के लाइनर्स जो है इस पर भी मैं बता चुकी हूँ अपना, क्योंकि मैं वही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और ये जो प्रो ग्लो 2 पैलेट है, इससे जो हाईलाइटर पैलेट, इसका भी मैं बता चुकी हूँ। और ये जो मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट है, दिस इज़ लाइक अमेजिंग, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मास्टर कॉपी है। इसके भी मैं पूरा अपना कंप्लीट रिव्यू दे चुकी हूँ, आप जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो या इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद सम अदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।